हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निशा स्मार्ट कुकिंग। आज हम बनाएंगे मुंबई स्टाइल बाजी पाव। आपको मेरी वीडियो मलयालम में देखना है तो नीचे दिए लिंक को क्लिक कीजिए। मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले इससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम बनाते हैं बाजी। बनाते हैं सबसे पहले, उसके लिए मैंने कुकर ले लिया है। कुकर में मैंने तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो जाए उसके बाद में हम इसके अंदर हम एक स्पून बाजी पाव मसाला डाल देंगे। उसे थोड़ा सौते कर लेंगे, जलाना नहीं है हमें, एकदम लो फ्लेम पे रखना है हमें। और उसके बाद में मैंने आधा कप गाजर कटा हुआ डाल दिया है मैंने, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हम आधा कप बटाना है उसे भी मैंने डाल दिया है, आधा कप मैंने बीटरूट भी डाल दिया है मैंने बारीक कटा हुआ, और दो कप मैंने आलू भी काट लिया था उसे भी मैंने बारीक काट के डाल दिया है, और दो कप जितना मैंने फ्लावर भी लिया है उसे भी काट के डाल दिया है। आपको जो भी वेजिटेबल और भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, मैंने ये सब लिया है। उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड कर दिया है और इसे हम मीडियम फ्लेम पे 4 विसल कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बाजी एकदम टेस्टी बनेगा। आप रेस्टोरेंट में खाते हैं वैसे ही टेस्टी आपको लगेगी ये, आप एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। 4 विसल आ गए हैं, इसे हम खोल के एक बार देख लेंगे, चेक कर लेंगे। ये अच्छे से सब पक चुका है, इसे हम मैशर की हेल्प से अच्छे से हम मैश कर लेंगे। इसे अच्छे से एकदम से मैश कर देना है हमें, सब्जी सब बारीक दिखनी नहीं चाहिए हमें, एकदम से मैश करना है। अच्छे से मैश हो चुका है, अब एक मैंने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई गर्म हो जाए उसके बाद में हम तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो जाए उसके बाद में हमें 1 स्पून जीरा ऐड कर देना है। जीरा चटक जाए उसके बाद में हमें 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने बारीक काट लिया है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे, उसे हम अच्छे से सौते कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले इसलिए मेरे बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। और इसमें हम थोड़ा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। हम नमक ऐड करते रहेंगे तो ध्यान से ऐड करिएगा, क्योंकि हमने वेजिटेबल जब पकाया था तभी भी हमने डाला था, इसीलिए ध्यान से डालेगा। मैंने 1 स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया है, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। और मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं मैंने, उसे भी बारीक काट लिया है और इसमें मैंने ऐड कर लिया है। अभी टमाटर अच्छे से गल जाए नहीं तब तक हमें इसे पकाना है अच्छे से, ऐसे अच्छे से मिक्स करके हम ढक के इसे पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है हमें। इसे 2-2 मिनट में हम हिलाते रहेंगे। इसे हम ढक के इसे अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से हमें पकाना है, जब तक इसका तेल सब सारा छूट ना जाए तब तक हमें इसे अच्छे से पका लेना है। इसका तेल सब अच्छे से छूट चुका है। मैंने 1/2 कप मैंने कैप्सिकम बारीक काट लिया है, मैंने 1 कैप्सिकम को काट लिया था मैंने बारीक, और इसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे भी अच्छे से हम पका लेंगे। जब तक कैप्सिकम टमाटर प्याज सब अच्छे से गल ना जाए तब तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। अब अच्छे से कैप्सिकम पक चुका है, इसे हम मैशर की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। जितना हो सके उस
उतना ही अच्छे से आप मैश करके इसे रख के, अब इसके अंदर मैंने 2 स्पून मैंने कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डाला है, इसमें अच्छे से कलर देगा और तीखा नहीं है ज़्यादा इसमें। और मैंने 1 स्पून बाजू पाव मसाला भी मैंने डाल दिया है, आपको भी तीखा वाला लाल मिर्ची पाउडर डालना है तो आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। बाजू पाव ऐसे भी ज़्यादा तीखा नहीं होता है, नॉर्मली होता है, इसीलिए मैंने इसमें डाला नहीं है। इसे अच्छे से हम पका लेंगे, जब तक अच्छे मसाला सब अच्छे से भून ना जाए, तेल ना छोड़ दे, तब तक हम इसे पका लेंगे अच्छे से। और मसाला सब अच्छे से भून चुका है, अब हमने जो वेजिटेबल सब मैश करके रखा था उसे इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम फिर से एक बार अच्छे से मैश कर लेंगे, सब्जी सब कुछ अभी बाकी रह गया है तो इसे फिर से हम मैश कर लेंगे अच्छे से। और आपको ठीक लग रहा है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसे एक बार अच्छे से बॉल आने तक वेट कीजिए। मैंने इसमें साधारण सा नमक ऐड कर दिया है, मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था इसीलिए मैंने ऐड किया, आप देख के ही डालना। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे थोड़ा थिक लग रहा है इसलिए मैंने गर्म पानी ही डाला है, आप भी गर्म पानी ही डालिएगा और इसे एक बॉयल आने तक वेट कीजिए। इसके बाद में हमें फ्लेम बंद कर देना है। इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बॉयल आ चुका है, इसमें हम लेमन जूस डाल देंगे। लेमन जूस डाल के हमें फिर पकाना नहीं है, गैस बंद कर देंगे हम। ये अभी इतना लूज लग रहा है आपको, ठंडा हो जाएगा तो अब ये और गाढ़ा हो जाएगा, इतना बराबर है। और अब मैंने इसके अंदर 1 स्पून मैंने बटर ऐड कर दिया है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार बटर डाल दें। हमारा भाजी रेडी हो चुका है, अब हम पाव को गरम कर लेंगे। मैंने जो पाव मैंने बनाया है वही है, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने 1 स्पून बटर मैंने तवे पे डाल दिया, तवा गरम हो जाए, बटर गरम हो जाए उसके बाद में हमें भाजी पाव मसाला डालना है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है और पाव को बीच में से कट करके हम उसे दोनों साइड से टोस्ट कर लेंगे, गरम कर लेंगे हम। ऊपर से भी हम बटर डाल देंगे और दूसरी ओर से भी हम अच्छे से फ्राई कर उसे टोस्ट कर लेंगे। हमारा भाजी पाव रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। भाजी पाव सर्व करने के टाइम में बारीक कटा हुआ हरा प्याज और 1 नींबू रखिए और उसके ऊपर डाल के हम सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्ट लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।